गंगा वहां को ट्रैवल कर सकते हैं। आज जो ये वाल्मीकि पावन अखंड ज्योत जो निकाली गई है उसका क्या उद्देश्य है? ये आज से नहीं निकली है, ये 15 तारीख से प्रांत के भिन्न भिन्न जिलों में घूमती हुई आज ये बरेली में पहुंची है। इसका मूल कारण है कि हम अपने जो अलग अलग बटे हुए हैं हमारी समाज को एक जगह एक प्लेटफार्म पर लाए, जिससे हम धार्मिक तौर पर और सामाजिक तौर पर अपनी ताकत बनाएं। इसलिए इस अखंड ज्योति का मैंने कार्यक्रम बनाया था। मेरे साथ कृष्ण पाल जी जो मेरे बाएं हाथ बैठे हैं और मिट्ठूलाल परमहंस जी और मठधीश सीतापुर ब्रह्मशरण जी, बलबीर भारती जी, ये सभी लोग मेरे सहयोग में चल रहे हैं। इस यात्रा के साथ काफी लोग थे, लेकिन यमुनानगर में एक घटना होने के कारण तमाम धर्मगुरु जी, मुख्य संचालक और लुधियाना के वीर जो मेरे हम कक्ष हैं वो सभी वापिस हो गए, क्योंकि उसी दिन जिस दिन इसका ज्योति का ब्रह्म ज्योति का प्रारंभ हुआ था उसी दिन घटना सब वहां लग गए थे। छोटे से आकार में ही लेके हम चल रहे हैं, जिससे कि ज्यादा किसी को वो भी ना हो और जो हमारा धर्म का प्रचार है उसके लिए हम बराबर हो। आप सभी को जय वाल्मीकि। मैं मिट्ठूराम महाराज भोपाल मध्य प्रदेश से, 87 वर्ष की मेरी उम्र हो गई है। समाज के हित के लिए मैं सफर कर रहा हूँ। भावादर्श जो काम कर रही है वो भारतवर्ष को पूरे को एक करने का एक उद्देश्य, उनके अवगुण दूर जाए, सद्गुण उनके अंदर आए, किसी से कोई विरोध नहीं, सब भाई बंद है, सब प्रेम से रहें और सब प्रेम से अपने जीवन को बिताएं। इस उद्देश्य से हमारी ये ब्रह्म अखंड ज्योति सबके दिल में ज्योत जलाए, ईश्वर उनके ऊपर भगवान महर्षि वाल्मीकि कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें, यही हमारा एक उद्देश्य है। जय वाल्मीकि। देखते
जिनका मार्गदर्शन हमेशा रहता हम लोगों को प्राप्त होता रहता है, और आज ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर उपस्थित हुआ ये हम लोगों के बीच आज आयोजित हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे बीच रही है। साथियों ये जो धर्म प्रचारक का पद है ये संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, और जो हमारे धर्म प्रचारक है उनकी एक विशेषता आपको बताऊं कि भगवान वाल्मीकि जी का जो सत्संग बरेली में होता है तो उसकी स्थापना अगर किसी ने की तो वो हमारे धर्म प्रचारक आदरणीय मुंडन अग्रवाल जी की है। आपने और इसी के हमारे हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सर्वोच्च निर्देशक आदरणीय चंद्र बाबू द्रविड़ जी प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए योग जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर साहब द्वारा रचित है उसको और कुछ संगठन की पुस्तकें लेकर के उनको भेंट स्वरूप देने के लिए आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आदरणीय मनीष अग्रवाल जी और उनके पिताजी आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी का वाल्मीकि समाज के लिए वो एक अभिभावक के रूप में काम करते हैं। जो अभी कोविड के समय में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया तो जब प्रशासन ने हमें अनुमति देने से मना किया कि सभी के आयोजन के लिए अभी अनुमति नहीं मिलेगी, और ये भाई